15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। अंग्रेजी हुकूमत से देश को स्वतंत्रता मिली थी और मैं इस वक्त नेहरू गैलरी में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि देश की आज़ादी के समय की हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन में रहते थे और तमाम चीज़ों को इस संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया था। उन्हीं में से एक थी ये गोल्डन स्टिक जो कि यहाँ पर नवंबर 2022 तक मौजूद थी और अभी उसे नेशनल म्यूजियम भेज दिया गया और अब जो नया पार्लियामेंट बन रहा है वहाँ पर इस गोल्डन स्टिक को रखा जाएगा। राजदंड इसको कहा जाता है, सेंगोल के नाम से जानते हैं। हमारे साथ वामन मानखेड़े हैं जो कि इस इलाहाबाद म्यूजियम के स्टाफ हैं। सर ये बताइए, यहाँ पर जो स्टिक थी वो पहले यहाँ पर थी, अभी उसे नए संसद भवन में भी रखा जा रहा है। इलाहाबाद में प्रयागराज 1931 में इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के छोटे से कमरे में म्यूजियम बना था और क्योंकि कलेक्शन काफ़ी बढ़ गया था तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इस नए भवन का शिलान्यास किया गया और उनकी भी इच्छा थी कि उनके पास जो भी सामान है, जो भी उनको गिफ्ट मिले देश से विदेश से और जहाँ से भी मिले वो सभी लोग इलाहाबाद में डोनेट करना चाह रहे थे और ऐसे में उस समय के जो क्यूरेटर थे डॉक्टर एस सी काला जी को उन्होंने बुलाया और उन्होंने एक काला जी ने उनके यहाँ जाकर एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के अंतर्गत ये गोल्डन स्टिक भी इलाहाबाद में आई और उसके बाद जब ये नेहरू गैलरी बनी और इस गैलरी में इसी शोकेस में उस गोल्डन स्टिक को डिस्प्ले में रखा गया। तो यहाँ पर ये जो हम कहेंगे गोल्डन स्टिक थी उसको अब यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि नए पार्लियामेंट की आन बान शान बनेगी और भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी एक तरह से हम कहेंगे कि उपस्थिति दर्ज होगी नए पार्लियामेंट में और नया पार्लियामेंट भी बन करके तैयार है। लेकिन इस गैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी और कौन कौन सी स्मृतियाँ हैं? यहाँ पर काफ़ी चीज़ें उनकी है, उनके निजी भी चीज़ें हैं, जैसे उनके शादी के इन्विटेशन कार्ड है, शादी में जो सामान खरीदा गया उनकी कपड़ा वगैरह उनकी लिस्ट है और जो भी उनको जहाँ से भी वेलकम एड्रेसेस है वो मिले हुए हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में रखे हुए हैं। उनके जन्म से लेकर अंत तक के फोटोग्राफ्स यहाँ पर है और बहुत सारे सैंडलवुड के कास्केट्स हैं जो जैसे है इसको अब सौंपा गया है भारतीय पार्लियामेंट में, जो नया पार्लियामेंट बन रहा है वहाँ इसको रखा जाएगा, तो इस पर क्या विचार है आपका? देखिए यहाँ पर इस अयोध्या में आने के बाद मेरे को लगा कि सभी बहुमूल्य चीज़ें हैं और उसमें उसका एक अंग वो भी राजदंड भी था और जैसे मैं आया हूँ ऐसे सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं, अलग अलग प्रकृति के लोग आते हैं, वो अपने इसमें रिसर्च कर रहे हैं या केवल जिज्ञासावश जानने आ रहे हैं तो उनको इससे पूरी जानकारी मिलती है। तो यदि यहाँ से वहाँ लेके सरकार ने निर्णय लिया है उसके पीछे सरकार की कोई सोच है। यहाँ आप घूमने आए हैं, कैसा लगा प्रयागराज? ये प्रयागराज का ये बहुत ही म्यूजियम जो है अपने आप में इन्हें मेरी कल्पना से भी बाहर, मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ में इसे दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया और ये मुझे लगता है कि मैं आज ही जो साथ में जो गाइड थे शुक्ला जी थे और उनसे मैंने कहा कि हम लोग क्या थे उसे बताने के लिए पूरे भारत में जहाँ पर भी ऐसी कला देता है जहाँ पर रखी गई समाज एक बार जो छोटे बच्चों को जरूर दिखाया जाए कि हम लोग क्या थे। हम यूरोपियन कल्चर से तुरंत से जैसे 2G 3G 4G 5G जाए जा रहे हैं, ये लग रहा है कि यूरोप कुछ कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक मुझे जो पर्टिकुलरली जो इंटरनल ऑर्गन्स का एक डिस्प्ले यहाँ पर दिखाया गया जो कि कई हज़ार वर्ष पुराना है। देखिए 2000 साल पहले भी हम लोग एक हमारे इंटरनल ऑर्गन का डिस्प्ले पत्थरों में देखे हैं और वहाँ पर यहाँ पर सर्जरी हुई है, वो कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं है। थैंक यू, उसे दिखाने की जरूरत। थैंक यू सर। नए पार्लियामेंट में उसे रखा जाएगा, कैसा लग रहा है, क्या कहिएगा? अब ब्रिटिशर्स जब जा रहे थे तो नेहरू जी को सौंप के गए थे, अभी तक वो यहाँ था। हम जानते हैं कि जो प्रयागराज है यहाँ पर पुरातत्व का सबसे बड़ा ये सेंटर रहा है, बहुत ही अच्छा म्यूजियम हम लोगों ने देखा, एक एक चीज़ जो है यहाँ की वो हमारे भारतीय इतिहास जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ से ले जाकर संसद भवन, भारतीय संसद भवन में रखा जा रहा है
तो फिर देखते हैं वहाँ किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। थैंक यू मैम। जो ये भारतीय पार्लियामेंट पे आप देख रहे हैं नया जो पार्लियामेंट बन रहा है उसमें राजदंड सौंपा जा रहा है जो कि प्रयागराज के इलाहाबाद इस म्यूजियम में था, तो आप भी यहाँ घूमने आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दें और बताएं। मैं डॉक्टर अभिलाषा शुक्ल हूँ, मध्य प्रदेश जबलपुर से। अच्छा लग रहा है यहाँ तो, मैंने देखा वेल मेंटेन है सारी चीज़ें और हम होप करते हैं कि वहाँ भी रहें, बट हम ये चाह रहे थे कि जो पुराना पार्लियामेंट है उसी पर रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी धरोहर हैं और उनको उसी जगह रहा जाए तो बेहतर होता। पर ठीक है, जो भी निर्णय हमारी सरकार ले रही है कर रही है, तो हम सब यही चाहते हैं कि उस धरोहर को बहुत अच्छे ढंग से रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उसको देखे और उसको समझे। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए इसके दो पहलू होते हैं। पहला तो ये कि देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद, तो वहाँ ले जाने का निर्णय लिया कुछ सोच समझ के लिया होगा, मगर मेरा उसमें सिर्फ इतना सोचना है कि यहाँ हर आदमी उसको देख सकता था और संसद में कितने लोग उसको देख पाएंगे, कितने लोग उससे गौरवान्वित हो पाएंगे उस चीज़ से, ये थोड़ा सा अभी संदेह के घेरे में है। अगर यहाँ रहता तो देश विदेश से जितने पर्यटक आते हैं, जो इतिहास के छात्र होते हैं या इतिहास के प्रति जिज्ञासु होते हैं, वो सब उसको यहाँ देख सकते थे। अब संसद थोड़ा सा उनके पहुँच से दूर हो जाएगी। दूसरा पहलू सर? दूसरा पहलू ये है कि अगर जो निर्णय लिया है कुछ सोच समझ के लिया होगा उस पर निर्णय कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जी जी, मेरा अपना सोचना यह है कि यहाँ रहता तो वो आम आदमी। ठीक है सर, नाम एक बार बता दें बस। नाम मैं डॉक्टर पंकज शुक्ला जबलपुर।